हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है केले के कबाब बनाना। तो आइए, नवरात्रि के अवसर पर हम कच्चे केले के कबाब बनाने के लिए ये हमने दो कच्चे केले लिए हैं और दो उबले हुए आलू, और ये हमने नमक सेंधा नमक लिया है, ये स्वाद अनुसार नमक लिया है। चौथाई चम्मच हमने काली मिर्च और चौथाई चम्मच हमने जीरा लिया है। एक हरी मिर्च को मैंने बारीक कट कर लिया है। ये समक के चावल हैं, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, मिक्सी में दरदरा पीसा है इसको। और ये चटनी बनाने के लिए धनिया और पुदीना, एक नींबू और चार हरी मिर्च ली हैं। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले मैं कच्चे केले को छील लूँगी। आलू को मैंने पहले से ही छील रखा है। और इसी प्रकार से मैं अपना दूसरा केला भी छील लूंगी। ये हमारे दोनों केले छीलकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं केलों को कद्दूकस करूंगी। एक डोंगा लिया है, अब ये कद्दूकस लिया है और मैं बारीक साइड से कद्दूकस करूंगी। ये हमने दोनों केलों को कद्दूकस कर लिया है। ये देखो कितने अच्छे से कद्दूकस हुए हैं। अब इसी के अंदर मैं ये दोनों आलू को कद्दूकस कर लूंगी। और ये हमारे दोनों आलू कद्दूकस हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये मसाले डाल दूंगी और साथ ही ये हरी मिर्च भी डाल दूंगी इसके अंदर। और एक चम्मच में ये पिसा हुआ साबूदाना का आटा डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें एक चम्मच और डालूंगी। ये मैंने कुल टोटल इसके अंदर 3 चम्मच डाल दिए हैं। और ये हमारा डो तैयार हो चुका है। और इधर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है, मैं ये चटनी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये मैं पुदीना को मोटा मोटा कट कर लूंगी, धनिया को मैं मोटा मोटा कट कर लूंगी और ये पुदीने को भी। ये 4 हरी मिर्च ली हैं, ये भी इसी में डाल दूंगी। और अब मैं नींबू को भी बीच में से कट करके इसका रस निचोड़ लूंगी। बीच में निकाल देती हूँ नींबू के। नींबू को निचोड़ दिया है। अब इसके अंदर स्वाद अनुसार मैं नमक डालूंगी और इस चटनी को मैं बारीक पीस लूंगी। और ये हमारी चटनी पीसकर तैयार हो चुकी है। इसे मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। और ये हमारा डो एकदम सेट हो चुका है। ये मैंने एक प्लेट ली है और इसमें मैं ये 2 चम्मच दरदरा पिसा हुआ समक के आटा ले लूंगी। ये हमने 2 चम्मच लिया है। इधर थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगाऊंगी और ये डो को मैं, आप चाहे जिस प्रकार की शेप दे सकते हैं। ये हमने, मैंने इस प्रकार से शेप दी है इसको। और अब मैं इसे इस समक के दरदरे आटे में, ये देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है।
और इसी प्रकार से मैं अपने सारे कबाब बनाकर तैयार करूंगी। आप इसे नवरात्रि के व्रत में जरूर ट्राई करें। ये हमारे सारे कबाब रेडी हो चुके हैं और इधर हमारा ऑयल गरम हो चुका है। इसमें एक एक करके कबाब को छोड़ दूंगी। अब हम कबाब की साइड चेंज करेंगे। देखो कितने अच्छे से सिक कर तैयार हो रहे हैं हमारे कबाब। इन्हें मैं अच्छे से फ्राई होने दूंगी। और ये हमारे कबाब कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी। बाकी बचे हुए भी कबाब को फ्राई कर लूंगी। और ये कबाब भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं इन्हें एक प्लेट में सर्व करूंगी। ये हमारे कबाब कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। ये हमारे केले के कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।